इसके डालने के पहले सर मिर्ची पे मोटे पत्ते हो रहे थे। हाँ। इसको डालने के बाद सर मिर्ची पे फ्लोरिंग पे अच्छे। हाँ। और जो मोटे पत्ते हो रहे थे कटोरी टाइप बन रहे थे। हाँ। अभी क्लियर होगा, मिर्ची पे चमक रही सर, अभी तक भी इसकी फ्लोरिंग अच्छी। नमस्कार, धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड की ओर से मैं कुलदीप डोडिया आप सभी किसान मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपने किसान मित्र के यहाँ पर आए हैं जिनके खेत में रुजुता और भावार्थ दवाई का इस्तेमाल उन्होंने मिर्ची पे किया तो उनको कैसा रिजल्ट मिला, तो आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उनको कैसा रिजल्ट मिला। तो आपका नाम? अक्षय यादव। अक्षय भाई यादव, आपके गांव का नाम? बोराड़ी माल। बोराड़ी, और तहसील? उनासा। डिस्ट्रिक्ट? खंडवा। तो अक्षय भाई, आपने इसमें जो ये दो दवाई डाली थी, ये भावार्थ और रुजुता, तो इससे आपकी मिर्ची में क्या फ़र्क पड़ा और उस वक्त क्या समस्या थी? सर इसके डालने के पहले सर मिर्ची पे मोटे पत्ते हो रहे थे। हाँ। इसको डालने के बाद सर मिर्ची पे फ्लोरिंग पे अच्छे। हाँ। और जो मोटे पत्ते हो रहे थे कटोरी टाइप बन रहे थे। हाँ। अभी क्लियर होगा, मिर्ची पे चमक रही। हाँ, मिर्ची भी चमक रही, मतलब जो जिस दिन आपने डाला उसके 4-5 दिन बाद आप बता रहे थे कि उसमें काफ़ी सारे फूल मतलब दिख रहे, तो अभी भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लावरिंग की संख्या भी अभी दिख रही है जो नए लग रहे हैं। तो अभी इसमें आप पत्ते भी देख सकते हो कि पत्ते भी पूरी तरह से खुले हुए, तो उस वक्त पत्ते कैसे थे इसमें? सर उस वक्त पत्ते सर वो मोटे मोटे थे। हाँ, और पूरी तरह से कटोरी टाइप हो गए थे। कटोरी टाइप हो गए थे, क्लियर होने लगा। हाँ। वो दवा देने से क्लियर हो गया। तो उसके बाद इसमें आपने फ्लावरिंग में क्या देखा ज्यादा? सर फ्लावरिंग में सर फूल। हाँ। और सर मिर्ची का जो नया आ रहा है वो बन रहा है, मिर्ची का नया भी फ्लावरिंग बन रहा है, और अभी भी इसमें फ्लावरिंग काफी लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि कितना फ्लावरिंग लगा है। अक्षय भाई, इसमें आपने कितना ml ये डाला था रुजुता? सर ये रुजुता सर इसका 10 पंप बनाया था मैंने। तो 10 पंप, तो 15 ml से 20 ml आपने मिर्ची में डाला था, और भावार्थ का? भावार्थ से 10 पंप। 10 ग्राम मतलब 4 ग्राम भावार्थ और 15 से 20 ml रुजुता का इस्तेमाल किया था। तो अपने दूसरे किसान मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं दो दवाई के बारे में? सर डलवाना चाहिए दूसरों खेतों में, डलवाना चाहिए। इसका रिजल्ट सर बहुत शानदार है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार रिजल्ट है। और ये जो पत्ते मतलब ऐसे ही हो गए थे वो कितने दिन में पूरा क्लीन हो गया था? 4 दिन में। 4 दिन में पूरा? चौथे दिन इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। चौथे दिन इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। सर अभी तक भी फ्लावरिंग अच्छी है। हाँ। और कलर भी अच्छा है, और अभी पत्ते भी नहीं मोटे पड़ रहे। अच्छा, सिर्फ से मकड़ी सफेद मच्छर सबको कंट्रोल किया, और बाहर के लिए भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो ये आप सभी देख सकते हैं कि इधर भी आप पूरी तरह से देखो, ये नए नए फ्लावरिंग लग रहा है, फूलों की संख्या सुबह सुबह तो ज़्यादा दिख रही है अक्षय भाई का कहना है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से पूरे खेत में फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो धन्यवाद सभी किसान मित्रों को।